हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड द वेदर इज सो ब्यूटीफुल, इट्स लाइक सो काम कंपोज एंड बारिश हो रही है तो इसलिए कपड़े पीछे मैंने रख दिए हैं। एंड टुडे आई एम गोना बी व्लॉगिंग होल डे एंड आई एम गोना टेक यू गाइस अलॉन्ग विथ मी एंड आई एम गोना शो यू कि कैसे टिपिकल डे है मेरे लाइफ में अभी, क्योंकि फिलहाल अभी डेंटल पोस्टिंग चल रही है। सो आई एम गोना टेक यू गाइस एंड ऑल्सो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ कॉलेज में, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ यू नो ब्रेक्स ड्यूरिंग द कॉलेज आवर्स, तो मैं उसमें लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। सो आई एम गोना टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी। सो यस गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट सी द वेदर गाइज, इट्स सो काम कंपोज, लुक अमेजिंग। एंड अभी अभी भैया आए हुए हैं खाना बनाने के लिए, सो खाना बना रहे हैं। आई विल आस्क हिम टू से हाय। भैया हाय बोलो, भैया बोलो हाय। भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ एंड क्या कहते हैं गेट रेडी फॉर द कॉलेज, क्योंकि मेरा कॉलेज 8 बजे से स्टार्ट होता है गाइज एंड अभी बज रहे हैं 6, तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो मैं जा रही हूँ पहले नहाने के लिए एंड रेडी होने के लिए, देन वील गो टू कॉलेज। सो या गाइज, गेट रेडी to come with me for my college and dental posting. I think you guys they are also like in dental college of my university. So yes, let's get started. So guys, finally मैंने अपना सूट निकाल दिया है एंड टुडे आई एम वेयरिंग माई फेवरेट कलर बिकॉज आई एम ब्लॉगिंग गाइज जस्ट फॉर यू, इसलिए मैं येलो पहन रही हूँ एंड ऑल्सो येलो इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, लेवेंडर इज माई दी फेवरेट कलर, जिनको जो मेरा पुराना ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। सो या विदाउट ब्लैबरिंग मैं आपसे तैयार होकर मिलती हूँ। सो गेट रेडी फॉर अ ट्रांजिशन, आई मीट यू आफ्टर गेटिंग रेडी। सो 1, 2, 3 सो गाइस आई एम रेडी एंड दिस इज माय लुक एंड मैंने बाल बांध लिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है एंड आई डोंट वॉन्ट माई हेयर टू फील फ्रिजी। सो मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, देन लेट्स गो टू मेडिकल कॉलेज बिकॉज आई माइट गेट लेट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉग, सो विच आई डोंट वॉन्ट टू बी। सो लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज माई फुल लुक फॉर द कॉलेज एंड ये कुर्ता मेरी मम्मी ने लाया था, पैंट भी चप्पल मिंत्रा से है एंड ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है एज इन्फ्लुएंसर से। सो या गाइज आई एम गेटिंग लेट, तो चलते हैं कॉलेज एंड फिर मैं आपको वहाँ पर मिलती हूँ। सो या लेट्स गो, अगर लेट निकलूँगी ना तो शायद मुझे रिक्शा भी ना मिले। सो लेट्स गो। हेलो गाइज, सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई स्किन लेटली। सो एज यू ऑल नो माई स्किन इज डीलिंग विथ लॉट ऑफ एक्नी हियर एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड द ह्यूमिड वेदर हियर इन माई सिटी। इज देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच क्लेम्स दैट विल क्लियर योर एक्नी बट दे रियली डोंट। आई केम अक्रॉस डर्माकोस 2% सैल्सिलिक एसिड सीरम एंड इट्स वर्किंग वंडर्स ऑन माई स्किन गाइज, इट रियली डज द थिंग वॉट इट क्लेम्स फॉर। सो आई एम यूजिंग दिस सीरम फॉर पास्ट 2 weeks एंड इट्स वर्किंग वंडर्स on my skin. Salicylic acid is a beta hydroxy acid that penetrates deep into the pores to exfoliate and unclog them. I love the serum because it clears out the pores by detaching the dead skin cells and other debris within the pores, allowing skin to be clearer over time. Guys, this product is for acne prone skin, but I would always suggest that you should never apply, you know, serum on bare face. You should always clean your face and I have already cleaned my face by using Dermacos 1% salicylic acid gel face wash and I use it along with the serum, and so I would recommend you guys to use the same. Helps in cleansing your face and also reducing acne. So yeah, you can combine these two in your routine. Take, you know, 2-3 drops of the serum on your face like so. Don't forget the neck. And guys, gently massage it till it is absorbed. You can use it daily to reduce the acne, can be used day and night. It's very important to apply sunscreen after your serum. And I swear by Dermacos 1% Hyaluronic Sunscreen Aqua Gel. It's like the best in the market. Guys, मैंने डर्माको के सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड दिस सनस्क्रीन इज माई फेवरेट बिकॉज इट हैज़ अ पावर ऑफ SPF 15 एंड PA++++ एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, मेकिंग योर स्किन लाइक वाटर एंड वो इस वाइट कास्ट नहीं छोड़ता एज यू कैन सी एंड फ्रेग्रेंस फ्री टू। द डर्माकोस 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल हैज़ इंग्रीडियंट्स दैट हेल्प टू फाइट सन डैमेज वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स।
Guys, I have seen visible results, you know, after using the sunscreen and the serum in my daily routine. The serum, you know, helps in, you know, reduction of the acne, whereas the, you know, sunscreen, it consists of SPF 50, so it helps, you know, to protect your skin against the impurities and also the harmful UV rays. I would highly recommend you guys to include these two products in your skincare routine and change the game of your skin. And also, guys, don't forget to do a patch test before trying out these products on your face. Guys, every time you buy a product from Dermacos website, they will link your order to a child which they help in educating along with Bhumi, and they have pledged to educate 10,000 plus students, so you can also be part of it. And also, guys, all the new products of Dermaco are fragrance free, so you can go buy these products from their website by using my coupon code Dinky2022 to get 20% discount on their website. But also you can purchase these products from Nykaa, Amazon and Flipkart, but my code is available only on their website. And guys, I'm going to provide all the products in my description, so go and check it out, and happy skincare routine. Guys, going to the college after a lot of search for the auto, and here is Pragya. Please tag her and ask her when is the vlog coming, because it's nowhere coming and she's vlogging every day, guys. Guys, finally reached at the college, and now my first class is general surgery. इसमें सर बहुत लेट आते हैं, तो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी मैं अर्ली आ चुकी हूँ 5 मिनट. सो लेट्स गो. Guys, finally reached at the third floor of my surgery department, and I'm searching my new demo room where we are supposed to sit. So let's go. Guys, done with the surgery class, and now I'm going to take a break, and then we have dental. That today is Onam, so happy Onam to everyone who's celebrating. My college didn't give holiday for us, but Ashna is celebrating, so she took holiday today, so she'll not be seen here because she was celebrating Onam, and I'm going to college. So yeah, I'm on my way. So let's reach there, and then I'll see you guys. Guys, finally मैं डेंटल कॉलेज आ चुकी हूँ. लेट्स गो इनसाइड. एंड अभी 10 मिनट बचा हुआ है, बट मेरी क्लास छूट गई थी, तो मैंने सोचा चलते हैं. She's going to study. Guys, I'm back in library, and I'm going to start studying ENT because I have planned my ENT portions which I have to be, you know, finishing. So I'm going to start studying that. So yeah, let's study together for 1.5 hours, because after that I'll have my classes. अभी मेरा क्या कहते हैं लंच ब्रेक चल रहा है, बट आई विल हैव लंच आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है. सो लेट्स स्टडी. बैक फ्रॉम कॉलेज एंड आई चेंज माई सेल्फ इन टू कम्पी क्लोथ्स. एंड मैं आपको बता दूँ कि यार आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी थी एंड बहुत ही बोरिंग क्लासेस थी एफ एम की. मैं सो गई थी, लिटरली मैं सो गई थी, एंड मैं तब उठी जब अटेंडेंस हो रही थी, टू बी यू नो कीपिंग इट रियल टू
यू गाइस मैं लिटरली सो गई थी एंड अभी मेरे को और नींद आ रही है, बट मैंने सोचा कि लंच कर लेती हूँ बिकॉज आई जनरली डू माई लंच एट माई होम एंड मैं ब्रेकफास्ट कॉलेज में करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरा ब्रेक होता है वो ब्रेकफास्ट टाइम में ही होता है, लाइक 12 to 1, विच इज़ लाइक आई डू ब्रेकफास्ट यूजली एट दैट टाइम. टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन बट मैंने सोचा बता दूँ. एंड गाइज आज कल मेरा पेपर है जनरल मेडिसिन का, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है. एंड आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग क्लास कि मेरे को एनडीए कुछ पोर्शंस फिनिश करने हैं अबाउट एम्ब्रियोलॉजी, तो मुझे वो तो पक्का ख़त्म करना है. सो आफ्टर टेकिंग 1 hour ऑफ नैप एंड ईटिंग माई लंच आई एम गोना सी यू गाइज एंड देन वील हसल टुगेदर. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बट फर्स्ट लेट मी इन्जॉय माई मील. हेलो गाइज, सो आई जस्ट वोक अप एट 6:30 PM एंड अभी गाइज आई एम गोइंग टू गो फॉर अ रन बिकॉज गाइज आई हैव स्टार्टेड यू नो वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 30 minutes जस्ट टू स्टे फिट, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज़ हैं इसलिए. सो दैट्स वाई नाउ आई एम गोना गो फॉर अ रन एंड देन आई विल कम एंड स्टार्ट स्टडिंग. गाइज फाइनली आई केम फॉर अ रन एंड आई एम गोना रन फॉर 30 minutes एंड देन आई गेट बैक टू माई room and start studying. So I'll catch you guys after 30 minutes of intense walking. Aaj barish hui hai to bahut zyada humid weather hai, which I'm not liking, but we have to do what we have to. Guys, finally I'm back from the run. I run like for like 35 minutes exactly. And I already completed 6,000 steps in my college, so I made it to 10,000. That's the maximum I can do now. I'm gonna quickly take a shower and then start studying. I skipped the juice because there was so much of crowd and I don't like crowded places. पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, इसलिए I'm gonna make tea for myself and then study. So yeah, let me quickly change and get freshen up and then I'll see you at the study.